मिस्टर क्लीन होंगर एजेंट। मैं खुद झाड़ू लेके एक झुग्गी बस्ती के अंदर सफाई करने गया था, स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट करने के लिए। का हाल देखा आपने? ये साफ हो रहा है? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। ये नहीं कर रहे आप अपना काम, जानवर समझाओ इन लोगों को, और आपका ये एटीट्यूड है। चलिए हाय मिस्टर क्लीन माने अरविंद केजरीवाल कथा कबले विचरा यमुना में, चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली पासत पंजाब जयरे देशों राजनीति चमक दिसे दिल्ली मुख्यमंत्री। पंजाब वाले हो तो कमाल कर देता। 24 प्रधानमंत्री बाबे खजूरे उच्चारित होइसे केजरीर नाम। जब जब भारत की बात आती है, हमारे लिए कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, हमारे लिए हमारा देश है, भारत माता है। एने समयते भयंकर अभिजुक भाभी प्रधानमंत्रीर विरुद्ध। केजरीवाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघर अनुगामी। সংঘ প্রতিষ্ঠা হওয়ারে পৰা আজিলৈকে জি কাম কৰিবলৈ আৰএছএছে সাহস কৰা নাছিল, সেয়াই কৰি দেখুৱালে আম আদমীৰ মুখ্য আহ্বায়কে। আৰএছএছৰ স্বপ্ন পূৰণৰ দায়িত্ব লৈছে কেজৰিৱালে। পঞ্জাৱত সন্নি চৰকাৰৰ পতন ঘটাই এতিয়া আৰএছএছক তেলমৰা আৰম্ভ কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে, অৰ্থাৎ মেৰে বাপ পেহলে আপ। ভাৰতৰ জনমানসত চেকুলাৰবাদী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ কিয়? ইয়াৰ উত্তৰ পাবলৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাটো শুনিবই লাগিব। কল 23 মাৰ্চ হে, শ্বহীদ আজম ভগত সিং কা শহাদত দিৱস হে। ইস মৌকে কে ওপৰ দিল্লী চৰকাৰ আজ এক মহত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰনে যা ৰহী হে। पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झरोदा कला में एक 14 एकड़ की का कैंपस बनाया जा रहा है, वहाँ पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट एकदम मॉडर्न स्कूल, सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। आर्म्ड फोर्सेस में, फौज में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाती हैं, इसी तरह से इस स्कूल के अंदर बच्चों को ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाएंगी और इन्हें एनडीए, नेवल एकेडमी और दूसरी आर्म्ड सर्विसेज के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी, खासकर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया जाएगा ट्रेनिंग कराने के लिए। इसमें 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में एडमिशन होगा। 9th क्लास में 100 सीट होंगी, 11वीं क्लास में 100 सीट होंगी। अभी तक इस साल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं तो अभी तक 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। केवल 200 सीटों के लिए 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 27 मार्च को 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए इसके टेस्ट हो रहे हैं और 28 मार्च को 11वीं क्लास में जो एडमिशन होंगे उसके लिए टेस्ट हो रहे हैं। तो ये दिल्ली वासियों का एक तरीका है एक शहीद आज़म भगत सिंह को उनके शहादत दिवस पे श्रद्धांजलि देने का। इसके लिए मैं दिल्ली के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। দিল্লীত সৈনিক বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া পাঠদান দিয়াব, স্থলৰ পৰা নৌ বায়ুসেনালৈ পৰিপূৰ্ণ প্ৰশিক্ষণ দিব, ইয়াতেই অসন্তুষ্ট একাংশ। ইজৰাইলৰ অৰ্হিত আমাৰ দেশতো সামৰিক পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো আৰ এছ এছৰ অন্যতম লক্ষ্য।
পাঠ্যক্রমত এয়া সম্ভব হোৱা নাই বাবে দেশে বিদেশে যুবক যুৱতীসকলক এনেদৰে সামৰিক প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে হিন্দুত্ববাদৰ ধ্বজাবাহক আৰ এছ এছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱক সংঘৰ এই এজেণ্ডাকে বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ বিচাৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সেয়ে কংগ্ৰেছৰ স্পষ্ট অভিযোগ, সামৰিক বিদ্যালয়ৰ ঘোষণাৰে আৰ এছ এছৰ আধৰুৱা সপোনক পূৰ্ণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে কেজৰিৱালে। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो इस बात का क्यों, हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। कभी देश के बारे में सोच लिया करो। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, अहम लाइव 24।